लाल भाजी को इस तरह से मसूर दाल डालकर अलग तरह से बनाकर एक बार ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखें इसकी रेसिपी। हाफ के जी लाल भाजी को मैंने यहाँ पर धोकर काट लिया है और इसे मैंने कुकर में डालकर इस तरह से रखा हुआ है। और यहाँ पर हाफ कप मैंने लाल वाली मसूर की जो दाल होती है वो ली है, तो इसे भिगोया नहीं है, सिर्फ धोकर हम इसे डाल देंगे डायरेक्ट कुकर में। आधा कप पानी डाल देंगे और एक छोटे चम्मच नमक और एक चौथाई छोटे चम्मच हल्दी। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसे हम 3 से 4 सीटी तक पकाएंगे। तो आपकी कुकर में जिस तरह से जितनी देर में पकता है आप उस हिसाब से इसे पकाएं। मसूर दाल ये देखिए 3 से 4 सीटी में आराम से पक जाता है। तो 3 से 4 सीटी हो चुके हैं, अब प्रेशर रिलीज़ करके मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है इसमें, इसी तरह से पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दाल भी यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप एकदम गाढ़ी दही को फेंट कर डाल देंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा 1/4 कप पानी हम इसमें डाल देंगे। मिक्सी की जार को धोकर हमने 1/4 कप पानी यहाँ पर और डाल दिया है। गैस को ऑन कर दें और थोड़ा सा इसे हम एक बॉईल और आने देंगे इसमें। जब तक उसमें उबाल आ रहा है तो हमने यहाँ पर एक पैन में 1 बड़ी चम्मच ऑयल डालकर रखा है और 7 से 8 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। अब पहले लहसुन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब लाल मिर्च हमने 2 यहाँ पर लिया हुआ है सूखा वाला और इसे हमने डाल दिया यहाँ पर तोड़कर। और लाल मिर्च जब पक जाए तो हम इसमें 1/4 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम बघार कर देंगे। इस तरह से डालकर तुरंत ही हम इसे ढक देंगे। अभी थोड़ी देर तक हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ये देखिए ये उबल रहे हैं अभी इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा नमक और डालेंगे, तो 3/4 छोटे चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। यहाँ पर आप टेस्ट करके नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस गर्मा गर्म हमारी लाल भाजी तैयार है। क्रीमी लाल भाजी, बहुत अच्छे से एकदम क्रीमी टेस्ट आता है इसका। इसी तरह से लाल भाजी आप भी ट्राई ज़रूर करें और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू।